टाइट है ये, खुल ही नहीं रहा है। मुझे दीजिए, मैं खोल देता हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। क्या बात है, ये मर्दल मतलब ये चीटी जितना छोटू, जवाई लेते हुए मुंह खोलना नहीं आता ऐसे, ये जाम खोलेगा, मैं मान ही नहीं सकती। What rubbish? अब ये या तो अल्लाह जाने या ये साइमा ही जाने। बैठ जा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग मिस्टर छोटू। गुड मॉर्निंग। आइए दादी। आप सोच रहे कि कुछ भी कर सकते हैं, प्लीज मुझे नीचे उतारिए। आय अल्लाह। बाजीगर, आप डांस करना बंद कीजिए, तुम्हें को दर्द हो रहा है, ऊपर से आप हंसे जा रहे हैं। खान बाबा को तो मैं पक्का नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू अम्मी, आप आई। रोशनी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा है, लगता है भूख के मारे ना मेरे कान ही बजने लग गए। अमन बेटा, रोशनी कहाँ है? सो रही है दादी, बहुत थक गई थी। सो रही है, बहुत थक गई थी। क्या है? नीचे कैसे उतरी आप? भाई, सीढ़ी से। आइए बैठिए, खाइए। बैठिए। अब मैं तो बस गुड मॉर्निंग करने आई थी, ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया। कब? वो तो सफाई कर लिया था,
वो क्या है ना, मुझे बहुत जल्दी उठने की आदत है। मेरा पेट तो भर चुका है, आप सब खाइए। अम्मी, मेरी अम्मी कहती हैं कि खाना कभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब अम्मी अम्मी की बात नहीं मानेंगे। आइए। पानी? ये पानी कहाँ से आ रहा है? किसी को साफ करने के लिए बुलाना पड़ेगा। कोई है? तेज की भूख लग रही भाई। यार प्राणी कभी कभी कितने क्यूट हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे पुप्पी, ऐसा मेरे बिना ही शुरू हो गया आप लोग। तू तो भूल गई होगी कि ब्रेकफास्ट का टाइम है। अम्मी जी आप तो यही बोलेंगी, मैं आपको ढूंढने गई थी भाभी। अमन बेटा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। साइमा की शादी की तैयारी हमें फौरन शुरू करनी होगी। दादी, अम्मी, मुझे आप लोगों से कुछ डिस्कस करना है सबके सामने। मुझे ऐसा लगता है कि साइमा की शादी अभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? तो कब करेंगे? जब वो अम्मी की उम्र की हो जाएगी तब करेंगे क्या? अमन बेटा, हम लड़के को अच्छे से जानते हैं, उसकी फैमिली हमें पसंद है। पर बात यहाँ उनकी फैमिली की नहीं है, बात सायमा की। And I'm sure अम्मी मेरी इस बात से अग्री करेंगी कि एक लड़की जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती, उसे शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जब तक सायमा अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक तो उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। और एक बार सायमा अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो धूमधाम से उसकी शादी करेंगे। क्यों सायमा? Roshni.
प्लीज जल्दी चलिए। साइमा साइमा बहुत रो रही है भाभी। क्या हो गया उसको? आइए भाभी प्लीज। साइमा 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 क्या हुआ भाभी? क्या हो गया भाभी? तो क्यों रो रही है भाभी? भाभी, भाई ने बोला जब तक साइमा इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती है तब तक साइमा की शादी नहीं होगी। सुन, मुझे लैंग्वेज बिल्कुल समझ नहीं आई लेकिन इमोशंस पूरे समझ आए। पर तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मेरे पास एक बहुत बेहतरीन आइडिया है। अमन, आफ्ताब की इतनी अच्छी जॉब है, साइमा को जरूरत ही नहीं पड़ेगी नौकरी करने की। और जरूरत पड़ गई तो? अमन, हम हैं ना, अल्लाह का दिया इतना है कि सात पुश्ते बैठकर खा सकती हैं। उस हिसाब से तो मुझे भी काम नहीं करना चाहिए। अम्मी, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो आपसे सीखा है, आपसे सुना है। आप बचपन में हमेशा कहती थी मुझे कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती तो आप अबू के साथ कभी नहीं होती। देखिए, अब ये खतरे से बाहर है, बस वक्त पे दवाइयां देते रहना। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। आपने ये सब क्यों किया? मैंने जुनैद के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया अम्मी, पर एक दूसरी औरत के लिए उन्होंने मुझे ही छोड़ दिया। काश मैं काम कर रही होती, अपने बच्चों को पाल पाती तो तुम्हारा इनके पास कभी नहीं आती। पर हम अपने बच्चों की खातिर मुझे वापस आना पड़ा, एक दूसरी औरत के साथ अपने शौहर को बांटना पड़ा। काश मैं कमा रही होती अम्मी। अम्मी, पुरानी बात याद दिलाने के लिए सॉरी, पर दोबारा चोट खाने से बचने के लिए पुराना दर्द याद रखना पड़ता है। मैं खुदा ना खास्ता कल को कुछ गलत हो जाए, हमारी बच्ची इस काबिल तो होगी कि वो अपना पेट पाल सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। दादी, हमारा जो कुछ भी है वो साइमा का ही है, लेकिन बात यहां पैसों की नहीं है, बात यहां पहचान की है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि लड़की पहले अब्बू पे डिपेंडेंट हो उसके बाद जाके अपने हस्बैंड पे? मैं नहीं चाहता कि मेरी बहनें ऐसे हों। हम अपने घर की लड़कियों को इस काबिल बनाएंगे कि वक्त आने पर वो किसी को सहारा दे सके, ना कि किसी का सहारा लें। Donkey from somewhere, तेरी बात में पॉइंट तो है, लेकिन हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि उनके घर में मेडिकल इमरजेंसी है, और फिर इतना अच्छा रिश्ता हम अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं? तेरी बात रिश्ते की नहीं है। मन लेके मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। हमारे घर के मामलों में हमें तुम्हारी राय नहीं चाहिए। अपना आइडिया अपने पास रखो और चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ।
मैं नहीं चाहती कि इस शादी पर तुम्हारा साया भी पड़े। हमी क्या चाहता है तू अमन? मैं अपने घर के मामलों में अब इस लड़की की राय लूं? अम्मी मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम बच्चों के सामने ऐसी बातें ना करें, प्लीज। वाह, कमाल की लड़की हो तुम। तुमने मुझे मेरे ही घर वालों के बीच में अकेला कर दिया है। कोई मेरी बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, पर मैंने फैसला कर लिया है और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन हाल फिलहाल मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे साइमा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है। Really? जी यस। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हिंदी बोलनी आती है, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको तमिल बोलनी आती है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनको हिंदी और तमिल दोनों बोलनी आती हो, जैसे हमारी साइमा। चाची कितनी इंटेलिजेंट है। छोटू एक मिनट, सो उससे क्या हुआ? और आजकल फिल्म्स और कॉर्पोरेट फिल्म्स में ऑनलाइन सबटाइटलिंग के लिए ऐसे लोगों की बहुत डिमांड है। राइट। जी भाई, मैंने कई जगह अप्लाई भी किया है, आई एम श्योर कहीं ना कहीं से रिवर्ट आ जाएगा, जल्दी काम मिल जाएगा। सब चाची की वजह से। चाची के चमचे। चुप। आप सायमा क्या बोल रही थी? भाई आई प्रॉमिस मैं बहुत मेहनत करूंगी, मैं अपने दिन रात एक कर दूंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूंगी। पर भाई आप हाँ? भाई मैं अफताब भाई साइमा बोलना चाहती है कि वो आफताब से बहुत प्यार करती है, पर आपको बोलने में शर्म आ रही है। साइमा ये बात अपने मुंह से बोलने में शर्म आ रही थी या डर लग रहा था? भाई ये बड़ी बड़ी बातें की है ना, ये सब करके भी दिखाना पड़ेगा। बुला लें फिर आफ्ताब को शाम को। बोल अपने मुंह से बोल। जी भाई। Finally, मेरा रिश्ता हो रहा है। हाँ? Oh God, पुपी आपका नहीं साइमा पुपी का। तो भूल जाती है। चलो, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। सबको चाची के वजह से वो। थैंक यू चाची। ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, किसी को असलियत दिखाई ही नहीं दे रही। एक ऐसे घर की लड़की आकर हमारे घर के मामलों में अब दखलंदाजी करेगी। जो भी हो, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, यह लड़की साइमा के ससुराल वालों के सामने नहीं आनी चाहिए। जो तमाशा संगीत वाले दिन हुआ था, मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा हो। के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।